बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि कुंभ मेले में सिर्फ पुण्य कमाने के लिए ही लोग जाते हैं, तो आप अपनी सोच बदल लें। जी हाँ, क्योंकि कुंभ मेले की भव्यता भी लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आती है। कहा जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर कुंभ मेले में आना चाहिए। कुंभ स्नान करना और यहाँ की भव्यता और अस्थाई सांसारिक दुनिया को देखना अपने आप में एक अद्भुत संयोग होता है। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। कहते हैं कुंभ के समय केवल कुंभ स्थान ही नहीं बल्कि पूरा शहर कुछ अलग सा नजर आने लगता है। प्रयागराज के कुंभ मेले में आस्था का जो जमघट लगने वाला है, उसे देखना किसी संयोग से कम नहीं। ये ऐसा मेला है जो प्रशासनिक सुरक्षा और व्यवस्था से ज्यादा लोग खुद व्यवस्थित रहते हैं। बिना किसी निमंत्रण के लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। गरीब और अमीरी का अंतर यहीं खत्म होता नजर आता है, जब संगम में करोड़पति और गरीब एक साथ डुबकी लगा रहे होते हैं। हजारों आलीशान पांच सितारा सुइट वाले टेंट से लेकर साधारण टेंट मुगल काल के किसी शहर से कम नहीं लगते। तो आइए जानें क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे अखाड़े और उसकी पेशवाई को देखने की, क्योंकि ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत होता है। 6 और 12 साल में होने वाले कुंभ और महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण यही साधु संतों का अखाड़ा होता है। ये साधु संत कुंभ में पूरी शान शौकत के साथ शाही स्नान पर जब निकलते हैं, तो वो किसी आश्चर्य प्रयोजन से कम नहीं होता है। प्रशासन अखाड़ों से संगम तक संतों के लिए एक विशेष राजपथ बनाता है, जिस पर सिर्फ अखाड़े ही चल सकते हैं। अखाड़ों का शाही अंदाज से निकलती पेशवाई निकलती है। पेशवाई में सोने चांदी के सिंहासनों पर विराजमान साधु संत अपनी टोलियों के साथ प्रदर्शन करते हुए कुंभ पहुंचते हैं। हाथी, घोड़ों, बग्घी, बैंड के साथ निकलने वाली पेशवाई के स्वागत एवं दर्शन के लिए रास्ते के दोनों ओर श्रद्धालु एवं सेवादार खड़े रहते हैं। बात करेंगे अब सांस्कृतिक संध्याओं से गुलजार संगम तट की। कुंभ में इस बार देश विदेश की रामलीलाओं की भी प्रस्तुति होगी। ये पहली बार होने जा रहा है। यही नहीं, यहाँ प्रदेश सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। देश की सांस्कृतिक विरासतें यहाँ देखने को मिलेंगी। कुंभ मेले में 5 विशाल सांस्कृतिक पंडाल बनाए गए हैं। इसमें रोज ही कुछ न कुछ सांस्कृतिक आयोजन होंगे। पारंपरिक एवं लोक नृत्य के साथ कई अन्य धार्मिक आयोजन यहाँ देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हेलीकॉप्टर और क्रूज की खास सवारी की। जी हाँ, कुंभ मेले में क्रूज की सवारी ही नहीं, हेलीकॉप्टर के जरिए भी कुंभ मेले का दर्शन किया जा सकेगा। सस्ती दरों पर ये सुविधाएं पर्यटकों को दी जाएंगी, ताकि वो कई किलोमीटर में फैले इस कुंभ के अद्भुत नज़ारों को अपनी आंखों में आसानी से कैद कर सकें। बात करेंगे अब टूरिस्ट वॉक की। अगर प्रयागराज जाएं तो ऐसे में वहां के दर्शनीय स्थानों को देखना तो बनता ही है। इसके लिए आपको कुंभ मेले में ही ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके लिए कुछ टूरिस्ट वॉक भी बनाए गए हैं। आपको बस करना ये है कि यहाँ के टूर ऑपरेटरों से संपर्क कर अपना पैकेज लेना है। शंकर विमान मंडपम से टूरिस्ट वॉक शुरू होगा, जो रामघाट पर आकर ख़त्म होगा। इसके बीच आप बड़े हनुमान जी का मंदिर, पतालपुरी मंदिर, अक्षय तट, इलाहाबाद फोर्ट देख सकेंगे। बात करेंगे जलमार्ग फेरी सेवाओं के आनंद की। कुंभ में आप यमुना नदी पर संगम घाट के पास जलमार्ग से फेरी सेवाओं का आनंद भी ले सकेंगे। फेरी सेवाएं सुजावन घाट से शुरू होकर रेल सेतु के नीचे से बोट क्लब घाट व सरस्वती घाट से होते हुए किला घाट पर आकर ख़त्म होगी। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस जल मार्ग में आपको कई टर्मिनल भी मिलेंगे। बात करेंगे अब यहाँ के सबसे महंगे टेंट हाउस इंद्रप्रस्थम के बारे में। जी हाँ, ये सबसे महंगा टेंट हाउस करीब 35,000 का है। 900 स्क्वायर फीट में फैला ये टेंट किसी 5-स्टार स्वीट जैसा है। इसमें 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम के साथ ही गृहस्थी का सारा सामान है।
फर्नीचर से लेकर बेड और प्राइवेट वॉशरूम से लेकर LED TV और बाकी लग्जरी आइटम भी यहाँ मौजूद हैं। ये इंद्रप्रस्थम का सबसे प्रीमियम टेंट है। यहाँ बने वैदिक टेंट सिटी में 24,000 प्रति रात की दर पर प्रीमियम विला ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा लग्जरी टेंट की कीमत 19,000 और 15,000 रुपये तक है। यहाँ 1200 टेंट लगाए गए हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम का नज़ारा देखने को मिलेगा, जबकि कल्प वृक्ष टेंट सिटी में आप 3500 से 8,500 रुपये प्रति रात के हिसाब से टेंट बुक करा सकते हैं। सबसे सस्ते टेंट 650 रुपये प्रति रात के हिसाब से आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी कुंभ मेले से जुड़ी हुई। ये जानकारी सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा ना कि जल्द से जल्द कुंभ शुरू हो और आप कुंभ का मनमोहक अद्भुत नज़ारा देख सकें। तो फिर थोड़े दिन और सब्र कीजिए, कुंभ बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इन सारी चीज़ों का आप वहाँ जाकर आनंद भी ले सकते हैं। तो फिर आप कीजिए कुंभ में जाने की तैयारी। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।